किसने क्लीनिंग ऑफ द हाउस किया है आज पूरा का पूरा? मैंने और तुमने, तुमने और मैंने। भाई लोग, घर ऑलमोस्ट पूरा साफ हो गया है ना। ये कपड़े निकल जाएंगे, ये इतना कचड़ा निकला, मतलब ये है और तुम लोगों को अंदर भी दिखेगा। सुबह का भी रूम मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ कैसे दिख रहा था, और अभी ये ऐसा दिख रहा है, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड। मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग ने कितना 2 बजे चालू किया, 2 बजे से लेके 6:30, कितना घंटा हुआ तुम लोग गिन लो, क्योंकि हम लोग तो थैलियां गिनते गिनते भूल गए कि और गिनती कितनी होती है। और कंटिन्यूस किया, हमने ब्रेक भी नहीं लिया। ब्रेक मतलब 10-10 मिनट का ब्रेक नहीं लिया, लिया 10 मिनट का, और मतलब तुमको खाने लग रहा है की ऐसा? ओ आज ही के दिन में। मतलब सोचो, हमारे बेडरूम में तुम लोगों को याद रहेगा तो ग्रे रग रहेगा, हमको वो फेंकना पड़ा। कहने की आज बार बार जो कपड़ा दिख रहा है उसके ऊपर आके मूत रहे, इसके लिए वो वहां पर उतने कपड़े धोने के लिए जाने वाले धोबी के पास। मतलब जिधर दिख रहा है उसको, जो खाली डब्बा दिख रहा है उधर आके मूत रहे, बैग नीचे गिरा हुआ उधर आके मूत रहे। मैंने तो बीच में से उठा लिया उसको, देखा अरे प्रोसेस में चालू है, पुई पुई करके दो दो बूंद नीचे गिर गया, फिर हमको साफ करना पड़ा। फिर इधर आके उल्टी कर रहे, पता नहीं आज क्या हो गया था उसको, अभी पूरा सो रहा है। अभी हम लोग जा रहे रिया के घर पे, ये सारा सामान लेके हम लोग वापस आएंगे, बट उससे पहले सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ उसलियन यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही, मजे में। मेरे को बता, तुम लोग सारे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, तो अपन ऑन द वे प्रोसेस में भी बात करते रहते हैं। चलो, अच्छा लग रहा है, थक गया भाई, प्रोटीन पीना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नहा लो तुम, फिर जाके। एकदम जीनियस है क्या ये, इस पे वीडियो बनाना चाहिए। हमने इतना सारा बैक सीट कॉन्वर्सेशन किया, हाँ हमको तो अभी पता नहीं चला, अभी पता चल रहा है। गाइस आई एम अ जीनियस, डेफिनेटली डेफिनेटली, आई एम अ इनोवेटर, आई एम अ पायनियर, डेफिनेटली यू आर, आई एग्री। मस्ती कर रहा था, टेस्टी। बाकी अभी बज रहे 12 और हमको कुछ नहीं समझ आ रहा, बट फिर भी मैंने जैसे जब भी विशाल आया था तभी मैंने एक बात बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू सपोर्ट योर फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, उसके ऊपर। और मेरे को ऐसा लगता है कि कल बनाना था मेरे को, बट कल सिंस मेरा घर देख के इतना मूड ऑफ हो गया था कि ओ शिट ये साफ करना है, कल मोटिवेशन ही नहीं आया, आज जाके मैंने साफ किया, तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम ही मतलब कोई इंटेंशन नहीं है कि इस पे रीच आए या ना आए, ये बूम करे या ना करे, क्योंकि मतलब वो एक्सपेक्टेशंस तो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम वो एक्सपेक्टेशन करने लगते हो तो तुम्हारे वर्क पे बहुत अफेक्ट पड़ने लगता है ना। जैसे मैं अगर एक्सपेक्ट करूंगा कि कल को मेरे वीडियो पे 10,000 व्यूज आने चाहिए, और मैं 4, 5, 6, 8, 9 बार करूंगा और नहीं आ रहे, तो 11वीं बार मैं सोचूंगा कि यार होप्स नहीं रखने चाहिए, है ना। तो मैंने मतलब एक चीज सीखा है कंटेंट क्रिएशन में कि क्रिएट करो तुम्हारे पसंद के लिए, मतलब तुमको पसंद आ रहा है इसके लिए क्रिएट करो, इसलिए मत क्रिएट करो कि लोगों को पसंद आएगा मैं जो कर रहा हूँ वो चीज, है ना। लोग एंटरटेन होंगे, देखो जिसको होने का है वो होएगा। बेसिकली नंबर्स में ज्यादा घुसो मत, हाँ है ना, नंबर्स में मत घुसो, बंद कर, मतलब नंबर्स अपने पैशन अपने लव को छोड़ के और किसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, मेरे को ऐसा लगता है। बट देन मेरे को ऐसा भी लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये चीज का अवेयरनेस नहीं होता है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही बोलता हूँ, मेरे पहले हर वीडियोस पे 10,000 व्यूज आता था, अभी 3,000 व्यूज आता है, बट बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा था तभी मेरे को ऐसा लगता था कि यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या मैं, तो मैंने देखने लगा कि शिट वो चीज अब मेरे काम पे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि मेरा मूड ऑफ होने लग गया था। फिर मैंने सीखा कि नहीं यार, तू कर रहा है क्योंकि तेरे को तेरा लाइफ डॉक्यूमेंट करने का, और उसमें कुछ लोग तेरा साथ दे रहे, कुछ लोगों ने तेरा साथ छोड़ दिया, मतलब किसी को भी तू रोक नहीं सकता, है ना। जैसे मैंने भी बहुत लोगों का साथ छोड़ा है, है कि नहीं। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए कि मतलब अगर ये देख के अगर एक भी कंटेंट क्रिएटर का लाइफ अगर अच्छा होता है, उसको एक भी सपोर्टर मिलता है, या एक भी कुछ भी एक चीज अच्छा होता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा लगेगा, है ना।
तो हम बात करेंगे। और लिटरली मतलब कंटेंट क्रिएशन मेरे को ऐसा लगता है कि पहले लोग पैशन के लिए करते थे, बट अभी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड डिपेंड करता है इस पे। मतलब अभी पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है हाँ, जो ट्रिली लोगों का घर चला रहा है, इंक्लूडिंग अस, है ना। मतलब हाँ, मतलब मेरा फिर भी मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा डांसिंग मेरा, से ही मेरा तो डेफिनेटली मैं वही बोलने वाला था कि हाँ, मेरा अभी तक वैसा नहीं है हाँ, कि मैं कंप्लीटली कंटेंट क्रिएशन पे डिपेंडेड हूँ। मेरा मतलब कंटेंट क्रिएशन इज लाइक ए साइड हसल, है ना, और मेरे लिए फन है वो चीज। मेरे को मजा आता है कि मतलब मैं खुद के व्लॉग्स देखते रहता हूँ, खुद के रील्स में क्रोल करते रहता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। जेन्युइनली मैं बोर होता हूँ तो खुद का ही रील्स देखते रहता हूँ कि क्या है तू क्या कर रहा है हाँ। उसका खुद के गाने बजते रहते हैं और तुम्हारे एक बहुत पर्टिकुलर प्लेलिस्ट है हाँ। तुमको पता है वो टाइप के गाने तुम कहीं और सुनता नहीं हाँ, है हाँ। तो मेरे को पता चल जाता है तुम बाथरूम में भी अपना फोन यूज कर रहा होगा हाँ, तो मुझे पता है कि अपने आधे घंटे तक अपना ही रील्स स्क्रॉल करते रहते। इसके लिए मैंने बोला कि मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है अपने आप को देखना। मतलब मेरे को जेन्युइनली मैं जैसा बचपन में सोचता था कि ओह शिट मेरे को ऐसा कुछ करने के गाने पे वो मैं कर पाता हूँ तो मैं अपने आप को देखते रहता हूँ ब्रो तूने कर लिया वो चीज। और वो चीज में जब लोग भी ऐसा आते हैं साथ में मिलते हैं कमेंट करते हैं अच्छा लगता है वो चीज, है ना। अच्छा, वो एक एडिशनल फीलिंग है कि ये चीज सोचा नहीं था होगा हाँ। वैसा, है ना। तो वही है कि एक तो इंडस्ट्री है और बहुत ज्यादा अच्छा इंडस्ट्री है क्योंकि इसमें तुमको क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है हाँ। इसमें तुम्हारा एज मैटर नहीं करता बेस्ट इसमें पार्ट तुम है। कहाँ से आते हो क्या करते हो क्यों करते हो कुछ मैटर नहीं तुम्हारा करता। बैकग्राउंड मैटर नहीं करता विच इन अ वे इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। हाँ। मतलब अब जेन्युइनली कोई भूखा नहीं सोएगा, है ना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये चीज का पूरा जो भी है वो चीज तुम्हारे हाथ में है क्योंकि क्योंकि जब तक तुम उस क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करोगे जब तक तुम उस क्रिएटर को वैल्यू नहीं दोगे उतना नहीं होगा। फिर हम हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि यार बहुत गरीबी है यार हमारा देश आगे ही नहीं बढ़ रहा है ना। क्योंकि ठीक है तुम जज करो अभी जैसे फॉर एग्जांपल है ना मैंने कल एक वीडियो डाला एलीट वर्सेस क्लास का हाँ 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 तो उसपे कमेंट आया कि मैंने दोनों भी देखा मुझे दोनों भी पसंद नहीं आया हाँ बट मेरे को अच्छा लगा कि उसने ये एक पर्टिकुलर आर्टिस्ट का गाना यूज किया देखा मैंने वो कमेंट देखा तो मेरे लिए ये बोलना कि मुझे पसंद नहीं आया फिर मैं सोचता हूँ क्यों पसंद नहीं आया। अगर तू मेरे को उस चीज का रीजनिंग देगा कि अच्छा मतलब मेरे को समझना जरूरी है कि आर यू इनटू मर्डर मिस्ट्रीज तेरा जॉनर क्या है। अगर तू सिर्फ इतना बोल के चला जाता है कि मुझे पसंद नहीं आया तो मेरे को तू एक ब्लैंक स्पॉट पे छोड़ के चला जाता है जिसको मैं भरते रहता हूँ क्यों पसंद नहीं आया। अगर तेरे को मर्डर मिस्ट्रीज पसंद है तूने उससे ज्यादा अच्छे मर्डर मिस्ट्रीज देखे तो सजेस्ट कर मैं भी उससे ग्रो करूंगा मुझे भी पता चलेगा कि अच्छा इसके लिए एलिट पसंद नहीं है। मेरे लिए मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों को है ना राइट टर्म यूज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि वो मेरा जॉनर नहीं है समझा मुझे समझ में आ रहा है तो राइट तरीके से स्पेसिफाई करना राइट तरीके से चीजों को फ्रेम करके ऑनलाइन पोस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिमिलरली कॉमेंट्स के साथ होता है लोग मेरे डांस वीडियोस पे कभी कभी बहुत ऐसा ही करते ठीक है पहले मेरे को ना बहुत चिढ़ होता था ऐसा मैं सोचता था क्योंकि जब भी छोटा था तभी एक ईगो था ना कि पता है तू किससे बात कर रहा है वैसा होता था मेरे को फील। बट अभी मैं सोचता हूँ कि शायद से इसके पास उतना टाइम ही नहीं है कि वो मुझे एक्सप्लेन कर पाए तो वो कुछ भी बोल के निकल रहा है तो मैं इग्नोर करता हूँ। तुमको नहीं पसंद आया ठीक है क्यों नहीं पसंद आया वो बताओ है ना वही हो गया ना मतलब बहुत थिन लाइन है हेट और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और फीडबैक में मुझे नहीं लगता। एंड मैं एक्चुअली तुम्हारे पॉइंट से थोड़ा सा डिसअग्री भी नहीं मेरा थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे को लगता है कि ऑनलाइन मतलब कोई भी हमें कुछ ओ नहीं करता ऐसा मेरे को लगता है। मतलब अगर किसी को लगता है कि उनको जैसा हमारा मुंह नहीं पसंद है ना हम लोग जैसा बात करते हैं जैसा मुंह बनाते हैं वो नहीं पसंद तो अच्छी लिख के चला गया। बट उससे क्या है कि वो 5 सेकंड के लिए उसको इतना पावरफुल फील हुआ कि वो छी लिख सकता कि मैं यहाँ पे 300 किलोमीटर दूर बैठे बैठे इन दोनों को छी बोल दूंगा और इनका दिन खराब कर दूंगा हाँ। ले छी हाँ। अगर वो 3 सेकंड में तुझे अच्छा लग रहा है तो ठीक है हाँ, हाँ। मतलब मेरे को उसके छी बोलने से मेरे पे मतलब ऐसा कीचड़ उछल के तो आ नहीं रहा है। सो मेरे को ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ ओ नहीं करता है। अगर कोई मतलब पूपी का स्माइली भी छोड़ देता है तो भी मतलब इट्स ओके तुझे फनी लगा ना तुझे कूल लगा तू कर ले चिल है। बट वही है कि मतलब सबका अपना अपना एक सैचुरेशन पॉइंट होता है हाँ। है ना। बट फिर
आई थिंक अगर ऑडियंस फ्री है क्रिएटर्स पे हेट करने के लिए, तो फिर क्रिएटर्स भी फ्री होने चाहिए ऑडियंस को गिव बैक करने के लिए. मतलब और हम लोग भी, मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो एक्सपर्ट्स है काइंड ऑफ क्लैप बैक करने के. पहले हम लोग बहुत ज्यादा करते थे, अभी हमने छोड़ दिया क्योंकि हम लोग घर साफ करते रहते गाइस. हम लोग घर और घर साफ करते रहते और कानिकी का उल्टी साफ करते रहते. तो वो एक चेंज आ गया हमारे लाइफ में, एक बदलाव आया. हाँ, तो ये थोड़ा सा दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है. तुमको जो ज्यादा सूट करता है तुम अपने लाइफ में वो चीज अप्लाई कर सकते हो. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है कि हाउ टू सपोर्ट योर क्रिएटर्स में स्पेसिफिक चीजें बताओ, है ना. फिर क्रिएटर के ऊपर है कि अगर उसको वो सेंस बनता है तो वो उसको अप्लाई करेगा, राइट. और फिर नहीं बनता है तो नहीं करेगा. इसमें कोई गलत बात नहीं है. जैसे तुमको कंटेंट समझ में नहीं आता तो तुम छी बोल देते हो. सिमिलरली अगर मुझे तुम्हारा कमेंट पसंद नहीं आया या मेरे को समझ नहीं आया तो मैं भी उसको इग्नोर करने का मेरे पास राइट्स है. हाँ, है ना. या तुम उसको उल्टा भक बोल सकते हैं. हाँ, ये हम पहले सजेस्ट कर सकते थे. हाँ, बट अभी हम बड़े हो गए तो अभी हम नहीं करेंगे, है ना. तो वो चीज है. एक मिनट, ठीक है. तो राइट क्रिटिसिज्म करो, राइट तरीके से कमेंट करो, जिससे क्या आएगा कि क्रिएटर का रीच बढ़ेगा, है ना. लोगों को पता चलेगा कि अच्छा इसके कमेंट्स में लोग एंगेज करते हैं एक्चुअल में, इसके कमेंट, इसके 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 कंटेंट में, सॉरी, इसके कंटेंट में लोग एंगेज करते हैं. इसके कंटेंट में शायद कुछ है जो मेरे को और भी चेक करना चाहिए. और क्या है, मेरे को देखना है कि और कमेंट कैसे है. पॉजिटिव नेगेटिव सब सेम ही है. एक्चुअली बताए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स भी देखे हैं जिनके कमेंट सेक्शन में सिर्फ इमोजीज और सिर्फ उनके खुद के फैन पेजेस होते हैं जो कर रहे होते हैं. हाँ, जो बॉट्स होते हैं लिटरली, मतलब हाँ अपेरेंटली. बट मेरे लिए वो 300 कमेंट स्क्रॉल करने से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो 15 कमेंट स्क्रॉल करना जो जेन्युइन फीडबैक है या फिर एक्चुअल कॉन्वर्सेशन है. क्योंकि मेरे, क्योंकि थर्ड पर्सन के लिए भी वो ऐसा एक लर्निंग प्रोसेस है कि अच्छा मैं भी इस पे वर्क कर सकता हूँ, मेरे में भी यही गलती है, है ना. तो कमेंट करो तो मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज करके कमेंट करो, है ना. थोड़ा सा सामने वाले को हेल्प हो इसके लिए कमेंट करो. और उसके बाद तुम्हारे पास अगर तुमको सेटिस्फेक्शन नहीं होता और तुमको बहुत ज्यादा प्यार है उससे, तो भर डालो बॉट्स. ऐसा लगना चाहिए साले ने फॉलोअर्स खरीदा है, बट फिर बाद में जब सामने आएगा वो चीज तो लोगों को पता चलेगा कि फक बॉट नहीं, ये एक्चुअल इंसान है जो इससे इतना प्यार करता है. तुमको याद है तुम्हारे कोई तो भी वीडियो में 100 कमेंट्स किए थे किसी ने? हाँ, 100 किए थे. बहुत सारे लोगों ने किया. आज ही कितना वियर्ड है. आज मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैंने ऐसे ही, मैं जिम से घर पे आ रहा था तो मेरे को एक जन ने मैसेज किया, इतना बड़ा मैसेज किया, मैं वो स्क्रीन पे डाल रहा हूँ. इतना अच्छा अच्छा लिखा है. उसके बाद लास्ट में मैंने स्क्रीनशॉट देखा. हाँ. उस पे उसने बोला कि आपके चैनल पे मैंने 1000 कमेंट किया है. और लिटरली हाँ. मैंने उसका कमेंट सिर्फ इतना ही देखा है कि वो हार्ट डालता है कभी कभी. कौन है? रोहित पंडित करके एक है, मेरे को पता है. मैं इसके सब कमेंटर्स को जानती हूँ, पर्सनली सबको जानती हूँ. तो मतलब ये एक तरीका है सपोर्ट करने का, है ना. और इसमें तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा, तुम्हारा कुछ नहीं लग रहा, करो ना. दिल को खुशी दो ना, है ना. क्रिएटर्स के और अपने भी, है ना. क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि मेरे को, मैं बड़े क्रिएटर्स के बिहाफ में बात नहीं करता क्योंकि मैं वहां पर पहुंचा ही नहीं, है ना. शाहरुख ने एक चीज बोला, फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर. तो अब तक मैं बड़ा क्रिएटर्स के इसमें पहुंचा नहीं हूं, तो इसके लिए मैं उनके बारे में नहीं बोलूंगा. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता कि अगर मैं किसी क्रिएटर को पूरा नीचे से उसको उठा के फॉलो कर रहा हूं, उसके साथ एकदम डट के खड़ा हो ना, तो मतलब वो अलग लेवल का फ्लेक्स है. फिर मतलब ऐसा फीलिंग है ना कि तुम कोर ग्रुप में हो. हाँ, तुम उनके लिए क्लोज फ्रेंड्स में हो. एग्जैक्टली. तुम मतलब जितना मर्जी मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रो करे ना करे, बट तुम उनके लिए स्पेशल रहोगे. हाँ. क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा डे वन से चाहे एक ही इमोजी डाल रहा है बट ये डाल रहा है और कंसिस्टेंटली डाल रहा है. सो आई थिंक बहुत अच्छा फीलिंग है. मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स है, मैंने भी बहुत ऐसे लोगों को फॉलो किया हुआ है जिनको मतलब मैंने एकदम नीचे से देखा है और अभी वो इतना ग्रो कर गए, तो मतलब बहुत नाइस फीलिंग. क्योंकि फिर मतलब जब एक बार 100K मिलियन ये सब हिट कर जाता है, ये जो माइलस्टोन्स है, स्टीरियोटिपिकल माइलस्टोन्स जो है, उसमें मतलब फिर तुम मतलब हो ही नहीं, मतलब तुम्हारे पीछे और लाखों लोग खड़े हैं, भीड़ का पार्ट हो. तुम कहाँ पर दिख रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े क्रिएटर्स को फॉलो मत करो. हाँ. उनको सपोर्ट मत करो. मैं एक जस्ट जेन्युइन ये दे रहा हूँ. ऑफकोर्स तुमने अगर लाख के जर्नी पे उसको
चालू किया है हाँ. तो जब वो 1 मिलियन में होगा तो तुम वो कोर ग्रुप में होगे. तो मैं ये बोलता हूँ कि साथ मत छोड़ो किसी भी क्रिएटर का. पॉइंट नंबर 2 है ना, किसी भी क्रिएटर का साथ मत छोड़ो, उसके हाईस पे भी मत छोड़ो, उसके लोस पे भी मत छोड़ो, क्योंकि क्रिएटर्स को तुम सिर्फ एज अ क्रिएटर मत लो, एज अ फ्रेंड लो. है ना, कि ये मेरा दोस्त है जो दूर बैठा है, ये मेरा दोस्त है जो हर रोज YouTube पे आके मेरे साथ वीडियो डाल के मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है, अपना पूरा दिन में क्या हुआ वो बता रहा है. ये वो मेरा दोस्त है जो Instagram पे स्टोरीज डालता है और मुझे बताता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ. समझ में आ रहा है? तो वो चीज है, क्योंकि फ्रेंड्स की बात अभी अगर कर रहे हैं तो मैं एक बताना चाहूंगा, एक फ्लेक्स करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको तुम जानते हो. एक भी ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको तुम नहीं जानते हो और एकदम अच्छे से जानते हो. समझ में आ रहा है? तो वो एक काइंड ऑफ मेरा सपोर्ट है टुवर्ड्स माय फ्रेंड, बी इट अगर वो एक क्रिएटर है या ना नहीं है. मेरे लिए हर कोई कंटेंट क्रिएटर है, मेरे लिए हर चीज कंटेंट है. रेडबुल का अगर कैन, खाली कैन नीचे गिर रहा है, इट इज अ कंटेंट. समझ में आ रहा है? पीछे अगर इसके ह्यूंडई के पीछे अगर फॉग हो रहा है, इट इज अ कंटेंट. लाइफ में हर चीज कंटेंट है ना. तो मेरे हर फ्रेंड्स को तुम जानते हो, वैसे ही तुम्हारे हर फ्रेंड्स को तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर पता होना चाहिए. कीप टॉकिंग टू देम. अपने सर्कल में जाते हो तो बात करो, है ना. इतना भी बात मत करो कि फिर ऐसा है भाई पागल है क्या तू साले, क्रीपी. हाँ मतलब एक ऑब्सेस लगे. हाँ, ऑब्सेशन भी ठीक है. हाँ, बट फ्रेंड्स के सामने मतलब फिर थोड़ा सा ऐसा इज्जत का ऐसा भैया बन जाएगा ना थोड़ा ऐसा कि ऑब्सेशन वाला. हाँ, मतलब एक लाइन मेंटेन करके तुम तुम्हारे हिसाब से ये करो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि आप दूसरे लोगों को हमारे कम्युनिटी में, तुम्हारे क्रिएटर के कम्युनिटी में ऐड करना इज अ वे टू हेल्प. ह्यूज हेल्प, ह्यूज. तो पॉइंट नंबर 3 ऐसा मेरे को दिमाग में आ नहीं रहा, हमने लिखा हुआ नहीं है. यूजुअली हम लोग ये सब टॉपिक में ना पॉइंटर्स लिख के रखते ताकि बहुत ऐसा हेल्प हो. बट अभी हम दोनों के फोन ऊपर हमें लाइट दे रहे हैं तो हम लोग लिटरली फ्री स्टाइल कर रहे हैं अभी तुम्हारे सामने. तो वही है कि अपने दोस्तों से बात करो जितना हो सकता है, जितना हो सकता है नए नए लोगों के साथ बात करो. और ऐसे नहीं रैंडमली किसी को भी मत भेजो. तुम्हारे जो क्लोज फ्रेंड्स है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी क्रिएटर को देखता हूँ तो मैं इसको बताता हूँ जरूर. समझ में आ रहा है? उसको पसंद आए नहीं आए, बट उसको पता रहता है कि ये नाम का कोई क्रिएटर है. कल को जब उसके फीड पे वो बंदा आएगा, गलती से आएगा, एक्सप्लोर में आएगा, तो उसको पता रहेगा अच्छा इसको तो मैंने देखा, अच्छा इसके मैं और कॉन्टेंट देखता हूँ. एक्चुअली हम दोनों मतलब इस चीज में इतने ज्यादा हम लोग इनटू है एक दूसरे को कॉन्स्टेंटली शेयर करने के, कि तुम लोग अगर किसी भी पॉइंट पे हम दोनों का एक्सप्लोर देखोगे इंस्टाग्राम का, कंप्लीटली सिंक्ड. हाँ. जो वीडियोस मैं अभी देख रही हूँ वो ये 4 दिन पहले मुझे ऑलरेडी भेज चुका होता. हाँ. जो ये अभी देख रहा है वो मैं 2 मिनट पहले देख रही होती हूँ. सो मतलब ऐसा होना चाहिए. मतलब जरूरी नहीं अगर तुम किसी फ्रेंड को अपना, मतलब अगर किसी भी क्रिएटर का एक अकाउंट शेयर करते हो बताते हो कि उनको पसंद आए. है ना, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, सबका प्रेफरेंस अलग होता है. बस अगर उनके एल्गोरिदम में आता है वो, एक्सप्लोर पे आता है, तो एटलीस्ट उनके दिमाग में होगा ना कि अरे हाँ मेरा दोस्त यही तो बोल रहा था, चल देखते हैं वो अभी क्या कर रहे हैं. यू नेवर नो. मतलब किसी का भी मतलब लाइफ चेंज हो सकता है किसी भी क्लिक से. करो ना करो वो बाद में का बात है, वो तो मैटर भी नहीं करता. वो मैटर करता है, मैटर करता है. हाँ. बट ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं चाहिए कि मेरा दोस्त बोल रहा है इसके लिए तू फॉलो कर. नहीं भाई, मैं तेरे को बोल रहा हूँ तू फॉलो कर, है ना. बट मेरे सब्सक्राइबर्स वैसे हैं, अपने घर पे हर फैमिली मेंबर से उन लोग ने सब्सक्राइब करवाया सब फोन से. तो वो एकदम मतलब अंदर, दिल के अंदर तुम सीधा पहुंचते हो, तुमको नहीं पता, है ना. और क्या था, अंडे के लिए ऊपर लेके आ गया. हाँ, तो मुझे लगता है कि स्पेशली कोविड के टाइम पे और उसके बाद से, मतलब अभी तो कंटिन्यू हो रहा है, मुझे लगता है कि क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है. स्पेशली बिकॉज मुझे लगता है कि इतने सारे लोग अभी क्रिएटर्स है ना, मतलब ऑलमोस्ट एवरी थर्ड पर्सन दैट यू नो इज अ क्रिएटर. तो नॉट एवरी वन इज जेन्युइन एंड ऑनेस्ट, है ना. तो मतलब मे बी बिकॉज ऑफ पर्सनल बैड एक्सपीरियंस या फिर कुछ भी हो सकता है,
मुझे लगता है कि ऑडियंस का काइंड ऑफ ट्रस्ट उठ गया इन्फ्लुएंसर्स, तो जब भी वो लोग कोई भी स्पॉन्सर्ड पोस्ट या एड या अफिलिएट लिंक्स कुछ भी देखते हैं सीधा स्किप करते हैं क्योंकि उनको ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं है, विच इज फेयर क्योंकि मतलब इंटरनेट पे झूठ बोलना बहुत ईजी है टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना. बट आई डोंट थिंक दैट इफ यू हैव अ फेवरेट क्रिएटर तुमको उनके साथ ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. तो मैं वही पॉइंट पे आने वाला था, है ना, क्योंकि मतलब तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर किसी क्रिएटर के साथ खराब हो रहा है हाँ, तब छोड़ दो. हाँ. देखो उसका भी गलती नहीं है कमाने का, हर किसी को है, है ना. हर किसी को मतलब क्रिएटर्स का देखा जाए तो लाइवलीहुड ही ब्रांड्स पे चलता है, है ना, क्योंकि इंडिया में और ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, मतलब पेट्रियन नहीं है जितना भी यूट्यूब तुम बोलो बहुत कम पे कर, है ना, अनलेस एंड अंटिल तुम्हारे व्यूज मिलियंस में नहीं है हर वीडियो के. तो वही है, तुमको नहीं पसंद बट उसको तुम्हारा तुमको उसका आर्ट पसंद है उसके लिए देखो, बट देन हर क्रिएटर के साथ ऐसा मत कर. हाँ. है ना, मुझे लगता है मतलब अगर तुमको लगता है कि कोई क्रिएटर जेन्युइनली डिसऑनेस्ट है, मैं ये उस एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ क्योंकि शायद से तुम जो टाइप के क्रिएटर्स देखते हैं उसमें शायद से इतना कॉमन नहीं होगा, बट जिस टाइप के मैं देखती हूँ वो काफी ज्यादा कॉमन है. मतलब हर रील में उनके फेवरेट्स चेंज होते रहते हैं, यू नो, स्पॉन्सरशिप के बेसिस पे. आज उनको ये पसंद है, कल उनको ये पसंद है, तो मतलब ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है और फिर वो डिस्ट्रस्ट का एक फीलिंग आता है. समझा समझा. तो मुझे लगता है कि अगर तुमको कोई डिसऑनेस्ट लगता है फील फ्री टू कॉल देम आउट, बट डोंट डू दैट थिंग विद योर फेवरेट क्रिएटर्स, है ना. नो कि मतलब स्पॉन्सरशिप्स और एड्स are not evil, है ना? That is something you like the product, use it. You don't like the product, skip it. Exactly. मतलब ads are something जो मतलब हर media platform का backbone है. हाँ. है ना? तुम TV देखते हो उसमें ads है, तुम्हारे favorite serials के बीच में ads आते हैं, Big Boss के बीच में ads आते हैं, guys come on, match के बीच में ads आते हैं, World Cup के बीच में ads आते हैं. Highway पे चलते हो, banners पे ads. हाँ. तो does not mean कि तुम सड़क ही बदल लोगे या फिर तुम channel ही change कर दोगे, right? You don't like something, तुम वैसे भी नहीं खरीदने वाले हो, तो मतलब स्किप करने में या स्क्रोल करने में ज्यादा टाइम नहीं जाता. बट यू नेवर नो, मतलब तुमको जेन्युइनली अगर किसी का रिकमेंडेशन तुम्हारे लिए कब वर्क कर जाए, है ना, उनके कोड से तुमको 10 रुपए भी ऑफ मिल रहा है एमआरपी से, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन ना. तुम तो वैसे भी एमआरपी पे खरीदने ही वाले थे. सो मेरा ये पॉइंट है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, मैं मतलब तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स के बारे में बात नहीं, हम हमारे हम तो एक्सक्लूड करके बात कर रहे हैं, हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे, एकदम गॉड्स ग्रेस हमारे जो भी फ्रेंड्स है, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, जितने भी भाई लोग हम लोग को देखते हैं, उन लोग को पता है कि मुझे प्रोटीन चाहिए, भाई का SBL ब्रांड है, मंगवा लूंगा, है ना, मेरे बजट में नहीं बैठता है, चलेगा, मैं कोई और बनूंगा. हाँ. इसके लिए मतलब हम हमारे बारे में बात ही नहीं कर रहे, हम बाकी लोग के लिए बात कर रहे हैं, और देखा जाए तो ये बोलना भी फेयर नहीं होगा कि हम हमारे लिए नहीं बात कर रहे. थोड़ा सा मतलब अगर हमारा वीडियो 100% ये इस पे है तो शायद से 2% हम हमारे लिए बात कर रहे हैं, उसमें से 1% तुम्हारा है, 1% मेरा है, बट जेन्युइनली ये पूरा वीडियो हमारा इसी इंटेंशन से बना है कि जो भी क्रिएटर्स आर आउट देयर उनको हेल्प हो, उनके ऑडियंस को हेल्प हो, और हमारे मैं तो चाहता हूँ कि मेरा जितना भी ऑडियंस बेस है वो सबको देखे. हाँ. क्योंकि देखना फ्री, और मैं लिटरली सब चीज देखता हूँ इंटरनेट पे बैठ के, मेरे फीड पे जो भी चीज आता है भले वो लोगों के हिसाब से क्रिंज हो, टाइम वेस्ट हो, कुछ भी हो, मेरे लिए मैं देखते ही रहता हूँ, मैं देखते ही रहता हूँ, मेरे को पता है अच्छा ये चीज, मतलब मेरे लिए हर चीज काम की चीज है, इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव. हाँ, अगर कुछ जैसे अगर कुछ तुम्हारे पर्सनल मॉरल्स और एथिक्स के अगेंस्ट भी जाता है कोई भी चीज, तो फिर वो तुम्हारे लेसन है कि हमें एटलीस्ट ऑनलाइन आके ये सब नहीं करना है, तो वो भी मतलब फायदे का ही है देखा जाए तो. इन शॉर्ट बोलने का यही तात्पर्य है, सबको देखो, अपने अपने डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे अगर तुमने एड ब्लॉक वाला वो सेटिंग करके रखा है तो वो निकाल दो, वो एक बहुत बड़ा हेल्प है, ठीक है, क्योंकि वो निकालने में तुम्हारा पैसा नहीं जा रहा, तुम्हारा कुछ भी नहीं जा रहा, ये लिटरली जीरो इन्वेस्टमेंट वाला चीज है. अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि नहीं भाई इंटरनेट तो टाइम पे ही चलता है, तू कितना अपना टाइम दे रहा है क्रिएटर को, वही तुम्हारा कमाई है, ऐसा है क्या? तो एक काम करो ना, 10-10 मिनट आके मेरे लैंडलॉर्ड को दो ना, उस पे ही जाता है तो. हाँ. है कि नहीं? वो बोलने वाला बात है, मतलब वो एक प्रीच करने वाला बात है कि इंटरनेट तुम्हारा टाइम खींच रहा है, बट तुमको समझना जरूरी है कि मैं जो चीज देख रहा हूँ वो चीज मेरे लिए काम की है या नहीं है. जैसे मैंने तुमको बोला कि मेरे लिए हर चीज काम की है, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज मैं देखता हूँ. मैं मतलब तुमको पता है बेडरूम में हम लोग दोनों जब भी रील स्क्रॉल करते रहते हैं, ये एकदम काम का चीज देखते हैं और मैं नॉनसेंस चीजें देखते रहता हूँ.
पूरा टाइम कुछ भी देख रहा हूँ वैसा है, तो मेरा कोई टेस्ट नहीं है, मेरा कोई ऐसा प्रेफरेंसेस नहीं है, मैं हर किसी को देखता हूँ, हर किसी के लिए देखता हूँ, क्या पता मेरे कौन कभी मेरे काम आ जाए, मैं कभी किसी की हेल्प कर पाऊँ, वो इंटेंशन से है ना। तो वो चीज अगर तुम वो मेंटालिटी लेके आओगे कि नहीं यार ये लोग तो भाई कुछ तो भी अलग ही मैनिपुलेशन ये लोग का चालू है, तो फिर मतलब थोड़ा सा पॉइंटलेस हो जाएगा, ये पूरा वीडियो ही तुम्हारे लिए पॉइंटलेस है। बट मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ क्योंकि कल को तुमको भी शायद से कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा है ना, और शायद से मेरा ये वीडियो देख के कल तुम्हारे सब्सक्राइबर्स का बेस बनेगा शायद से, है ना, क्योंकि द वर्ल्ड इज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है कि नहीं। तो मेरा तो हमेशा से यही मोटो है भाई, अपने तरफ से जितना अच्छा दे सकते हो उतना दो, किसी का बुरा मत करो, कुछ मत करो, है कि नहीं। बाकी कोई अगर तुम्हारे साथ बुरा करता है तो उसको बुरा करो, ये अपना मोटो है। सामने से अपन कभी किसी को उंगली नहीं करता भाई, अपना यही नहीं है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, आई होप कि ये वीडियो तुम लोग को हेल्पफुल लगा हो, कुछ भी कॉन्वर्जेशन तुम्हारी तरफ से तुमको रखने का रहेगा तो प्लीज कमेंट करना, है कि नहीं। क्या पता हमको शायद से और बहुत सारी चीजें बोलने का था बट हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, नेक्स्ट टाइम शायद से तुम्हारे पॉइंटर्स देख के हम उसको उसके ऊपर और इलैबोरेट करने के लिए चीजें लिख के नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाए पार्ट टू इसका अगर तुम लोग डिमांड करते हो तो अच्छे से बनाएंगे, है ना, एंड दैट्स अ प्रॉमिस। और जब हम बोलते हैं तो हम करते हैं, हम लोग तो एक कमेंट देख के भी करते हैं, भले हम लेट करते हैं बट हम करते जरूर है। लेट इसके लिए करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ साथ में दिमाग में चलते रहते हैं, उसके लिए हम लेट करते हैं। बट तुम आज कमेंट करोगे, मैं कल नहीं बनाऊंगा वीडियो, शायद से एक महीने बाद बनाऊंगा बट बनाऊंगा जरूर, मेरे दिमाग में मैं सब कुछ याद रखता हूँ। कुछ भी चीज बोलता नहीं है तुम्हारा भाई, कुछ भी है कि नहीं। चलो अभी अंडा बॉयल भी हो गया है, मेरे को खाने का भी, एडिट भी करने का, कल टाइम पे तुम लोग से मिलने का भी है कि नहीं। झूठ नहीं बोल रहा, देखो सत्य है, उस पर टाइम भी देख लो, उस पर टाइम भी देख लो, कल तुम्हारे भाई को सुबह को 9:30 बजे जिम जाने के लिए। ये तुमको कैसे पता अंडा हो गया होगा, मैं बंद करके एस्टिमेशन लगा मैंने, ठीक है। बाय गाइस, आज के लिए अपन इतना ही रखते, तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या करने है, तुम लोग करने का लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ। अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, ऑलराइट, टेक केयर, बाय, पीस। बट From the experience I am speaking, if you are a bachelor, clean your house every Sunday. That will make it easy. वरना तुमको ऐसा लगेगा कि जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए।